हाय फ्रेंड्स, तो सट्टा बाजार के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंडो काउंट इंडस्ट्री के कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में। इंडो काउंट इंडस्ट्री एक स्मॉल कैप कंपनी है जो टेक्सटाइल के बिजनेस में इंगेज्ड है। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप का मतलब है अगर आप कोई कंपनी पूरी खरीदना चाहें तो आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे। इस केस में मार्केट कैप 3,250.19 करोड़ है। लेकिन मार्केट कैप किसी कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। एग्जैक्ट वैल्यू हमें इंटरप्राइज वैल्यू से पता चलती है। और इंटरप्राइज वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटरप्राइज वैल्यू इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। तो इस केस में मार्केट कैप जो कि 3,250.19 करोड़ है, उसे मैं प्लस कर दूँ डेट के साथ जो कि 572.37 करोड़ है, और माइनस कर दूँ कैश के साथ जो कि 126.54 करोड़ है, तो जो अप्रॉक्सीमेट फिगर आएगा वो आएगा 3,696.02 करोड़। और ये एग्जैक्ट वैल्यू है इस कंपनी की। वहीं अगर हम पी ई रेशियो की बात करें तो पी ई रेशियो को समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा, और वो है ईपीएस। ईपीएस का मतलब है कि एक शेयर के पीछे कंपनी साल भर में कितने रुपए कमाती है। इस केस में ईपीएस 16.12 दिख रहा है। वहीं तो पीई का मतलब क्या है, तो पीई का मतलब है किसी शेयर को खरीदने के लिए आप उसके एक साल की कमाई का कितना गुना पैसा आज दे रहे हैं। इस केस में पीई 10.21 है। वहीं अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड का मतलब है कंपनी प्रॉफिट के तौर पर साल भर में जो कमाती है उसका कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर को बांट देती है। इस केस में डिविडेंड यील्ड 1.21% है जो कि एक मिनिमम साइज है। वहीं अगर हम कैश की बात करें तो कैश इस कंपनी के पास 126.54 करोड़ है। और वहीं अगर हम डेट की बात करें तो डेट इस कंपनी के पास 572.37 करोड़ है। वहीं अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है कंपनी का ओनर। प्रमोटर अपनी कंपनी में कितना परसेंट शेयर होल्ड करता है इससे यह पता चलता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में कितना भरोसा है। तो प्रमोटर होल्डिंग इस केस में 58.94% है। वहीं साथ ही साथ हमें ये देखना है कि कहीं कंपनी के पास प्लेजिंग तो नहीं है, तो प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज नहीं किए। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई इस कंपनी में 9.28% की स्टेक लेके बैठी है, लेकिन साथ ही साथ एफआईआई ने कुछ महीनों में अपनी स्टेक भी घटाई है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई इस कंपनी में 0.09% की स्टेक लेके बैठी है। वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की 21.11% है। वहीं कुछ प्रीवियस ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 4.08% की सेल्स ग्रोथ दिखाई। वहीं पिछले 3 साल में कंपनी ने 10.367% की सेल्स ग्रोथ दिखाई। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी ने 21.11% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। तो पिछले 5 साल के कंपेयर में कंपनी अच्छा सेल्स ग्रोथ जनरेट कर रही है। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 1 साल में कंपनी ने 240% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई। वहीं पिछले 5 साल के कंपेयर में कंपनी ने 0.64% की आर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती थी। वहीं पिछले 3 साल के कंपेयर में कंपनी 25.75% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती थी। वहीं पिछले 1 साल के कंपेयर में कंपनी ने 240% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई का मतलब है कि शेयर होल्डर के पैसे पे कंपनी साल भर में कितने रुपए कमाती है। इस केस में आरओई 21.95% है। वहीं पिछले 5 साल से कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में 16.25% की आरओई जनरेट कर रही थी। वहीं पिछले 3 साल में कंपनी 11.87% की आरओई जनरेट कर रही थी। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी ने 21.95% की आरओई जनरेट की है। वहीं अगर हम आरओसीई की बात करें तो आरओसीई का मतलब है कि कंपनी के पास पैसा या तो इक्विटी दे के आए या तो डेट ले के आए, बस पैसा आना चाहिए और उस पैसे पे कितने पैसे बने ये हमें आरओसीई बताता है। इस केस में आरओसीई 1 साल का 23.05% है। वहीं पिछले 5 साल से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 18.95% की आरओसीई जनरेट की। वहीं पिछले 3 साल में कंपनी ने 13.39% की आरओसीई जनरेट की। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी ने 23.05% की आरओसीई जनरेट की है। वहीं अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि इक्विटी से कितना गुना कंपनी ने डेट लिया है। आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए जो कि इस केस में 0.45 है, जो कि एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी को 100 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर देने हैं तो प्रॉफिट उसका कितना गुना हो रहा है। इस केस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 13.09 है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम CFO कॉन पैट की बात करें तो CFO कॉन पैट का मतलब है कि कंपनी ने जितने रुपये का माल बेचा उतने का उसे प्रॉफिट हुआ या उससे कम हुआ, ये हमें CFO कॉन पैट रेशियो से पता चलता है। CFO कॉन पैट रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इस केस में 0.80 है, जो कि एक छोटा सा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। वहीं कुछ और रेशियोज़ की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन या पैट मार्जिन का मतलब है कि टोटल रेवेन्यू में से सारे खर्चे निकाल देने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है उसे ही परसेंटेज के टर्म में पैट मार्जिन कहते हैं। इस केस में नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.89% है। वहीं अगर हम क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया है जो उसे 2 या 3 महीने में पे करना है तो क्या कंपनी लिक्विड फंड या कैश के द्वारा उसे पे कर पाएगी या नहीं,
ये हमें क्विक रेशियो से पता चलता है। गुड क्विक रेशियो इज़ ग्रेटर देन वन, इस केस में क्विक रेशियो 1.11 है, जबकि एक बहुत अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम ऐसे टर्नओवर की बात करें तो ऐसे टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी ने 100 रुपये लगा के कितने रुपए का माल बनाया। जैसे एक कंपनी 100 रुपये लगा के 100 रुपये का माल बनाती है और एक कंपनी 100 रुपये लगा के 250 रुपये का माल बनाती है, तो कौन सी कंपनी अच्छी है जो 100 रुपये लगा के 250 रुपये का माल बनाती है। इसलिए जिस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टर्नओवर हो उस कंपनी के लिए उतना अच्छा है। इस केस में ऐसे टर्नओवर 1.27 है, जो कि एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम कैश साइकिल डे की बात करें तो कैश साइकिल डे का मतलब है कि कंपनी ने पैसा लगा के जो माल बनाया और उसे बेचा और उससे जो पैसा कमाया उसे कैश के तौर पर कंपनी के पास आने में कितने वक्त लगे। कैश साइकिल डे जितना कम होगा उतना अच्छा है। इस केस में कैश साइकिल डे 91.31 डेज है। वहीं अगर हम कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो कैश फ्लो पर शेयर का मतलब है कि कंपनी एक शेयर के पीछे एक्चुअल में कितना कैश कमा रही है। लेकिन ईपीएस भी तो यही बताता है। यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी, कंपनी ने जो माल बेचा मतलब उसे प्रॉफिट हुआ और यह पीएनएल स्टेटमेंट में एडजस्टेड ईपीएस के साथ दिख जाएगा, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट उतना कंपनी के पास आया या नहीं ये हमें कैश फ्लो पर शेयर से पता चलता है। इस केस में कैश फ्लो पर शेयर निगेटिव है, निगेटिव -0.83। वहीं अगर हम फ्री कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो फ्री कैश फ्लो पर शेयर का मतलब है कि कंपनी ने सारे खर्चे निकाल देने के बाद जो सरप्लस मनी बच जाता है उसे ही फ्री कैश फ्लो पर शेयर कहते हैं। अब चाहे तो कंपनी उस पैसे को रिजर्व के तौर पर रहने दे या फिर डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर में बांट दे। इस केस में भी फ्री कैश फ्लो पर शेयर निगेटिव है, -1.19% है। एट द एंड इंडोकाउंट इंडस्ट्री ग्लोबली 31% यूएसए में और 34% यूरोप में और 35% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपना मार्केट प्रेजेंस रखता है। और द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एक्सिस सिक्योरिटी ने शेयर बाय करने की सलाह दी है इस कंपनी में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।